हेलो फ्रेंड्स नमस्कार देखिए लास्ट लेक्चर जो है हमने आप प्लेलिस्ट लिस्ट देख सकते हैं मेरी पॉलिटी की उसमें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि किस प्रकार जो है जवाहरलाल नेहरू जी जो है हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाते हैं उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं और वही उद्देश्य प्रस्ताव जो है आगे आने वाले समय में प्रियम्बल क्या आधार बनता है और यही उद्देश्य प्रस्ताव के इर्द गिर्द ही भारतीय संविधान को बनाया जाता है और वहीं से भारतीय संविधान को जो शक्ति मिलने की जो प्रोसेस है कि भारतीय संविधान की स्पिरिट आत्मा क्या रहेगी वो कहीं ना कहीं वहाँ से मिलता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था और आर्टिकल बत्तीस को संविधान की आत्मा किसने कहा है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए तो देखिए चार्जेस बाय इंडिपेंडेंट एक्ट सॉरी चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंट एक्ट तो द इंडिपेंडेंट एक्ट जो था जो 1947 का इंडिपेंडेंट एक्ट था जिसके तहत भारत को ये स्वतंत्रता मिल गई थी कि भाई भारत अपना जो है संविधान बनाएगा और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण करेगा और फाइनली जो है भारत को स्वतंत्रता भी मिल जाएगी और कैबिनेट मिशन प्लान प्लान के तहत क्या है भारत के अंदर कैबिनेट बनेगी स्वयं की ये कैबिनेट मिशन प्लान का हिस्सा था आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन तीनों व्यक्तियों के नाम बताइए जो कैबिनेट मिशन जो था उसमें जो तीन व्यक्ति थे और उसके हेड कौन थे उन तीनों के आप मुझे कमेंट बॉक्स में नाम बताइए वो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो देखिए क्या होता है कि जैसे ही इंडिपेंडेंट एक्ट पारित होता है तो भारत की जो प्रिंसली स्टेट्स होते हैं मतलब जो देसी रियासतें हैं शुरुआत में तो स्टेट अवे दूर रहते हैं लेकिन धीरे धीरे क्या है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने लगते हैं है ना क्योंकि वो तो भारत के ही भूभाग के अंदर आएंगे तो आज नहीं तो कल भारत जो है अपना बलपूर्वक फोर्सफुली जो है उनको अपने अंदर शामिल कर लेगा तो धीरे धीरे क्या हो रहा था लेकिन अट्ठाईस अप्रैल 1947 को क्या होता है छह राज्य जो होते हैं बैटन प्लान का, तो का मतलब है भारत और पाकिस्तान दोनों अलग होंगे फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोस्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट टुक देयर सीट इन असेंबली फिर क्या होता है जब पार्टीशन हो जाता है तो अधिकांश जो है वो अपनी असेंबली में हिस्सा लेने लगते हैं द मेंबर ऑफ मुस्लिम फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन ऑल्सो एंटर्ड द असेंबली मुस्लिम लीग के भी कुछ सदस्य जो हैं वो भी भारतीय डोमिनियन के अंदर क्या है हिस्सा लेने लगते हैं ठीक है द द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 फोर्टी सेवन मेड द फॉलोइंग थ्री चेंजेस इन द पोजिशन ऑफ असेंबली तो देखिए भारतीय जो स्वतंत्रता जो नियम था एक्ट जो था है ना? तो उन्नीस में उसने क्या क्या चेंज करी ये बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों पॉइंट तो पहला पॉइंट है द असेंबली वॉज मेड अ फुल्ली सॉवरन बॉडी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है संविधान सभा वो पूर्णतः संप्रभु है उसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है सॉवरन बॉडी है विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन जो किसी भी संविधान को बना सकती है इट प्लीज वो किसी भी तरह के संविधान को बना बनाने की क्षमता रखती है जिसमें उसे खुशी मिलती है द एक्ट एम्पावर द असेंबली टू ना एब्रोगेट और अल्टर एनी रो और सभा के पास ये भी शक्ति आ जाती है वो किसी भी नियम को रद्द कर सकता है एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द कर सकता है या कोई सा भी परिवर्तन ला सकता है बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर किसी भी तरह का बदलाव लाया जा सकता है फिर देखिए सेकंड पॉइंट क्या आता है द असेंबली ऑल्सो बिकम अ लेजिसलेटिव बॉडी देखिए वही असेंबली जो है ना उसके एक तो जीवी मावलंकर तो स्पीकर बनते हैं जो भी है ना डे टू डे अफेयर्स में जो कानून बनने हैं उनके जीवी मावलंकर हेड बनते हैं और जो संविधान सभा है उसके हेड कौन बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो संविधान सभा को दोनों काम करने हैं एक तो संविधान का निर्माण भी करना है और जो दो तीन साल तक जब तक भारत का संविधान नहीं बन रहा है तब तक जो कानूनों के पारित करने के लिए जो विधायिका लेजिस्लेचर है उसका काम भी संविधान सभा को ही करना है तो देखिए इन अदर वर्ड टू सेपरेट फंक्शन दो अलग अलग सेपरेट फंक्शन होंगे असाइंड टू द असेंबली दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया स्वतंत्र भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाना पहला काम तो ये एंड इनैक्टिंग ऑर्डिनरी लॉ और समय समय पर क्या है जो सामान्य नियम है उनको भी देश पर लागू करना दिस टू टास्क वर टू बी परफॉर्म ऑन सेपरेट डेज और ये दोनों जो है ना अलग अलग दिन पर ये निर्धारित कर दिए थे और है ना मीटिंग होती थी और उस अकॉर्डिंग क्या करते थे ये संविधान सभा संविधान का निर्माण भी करती थी और कुछ लॉ भी पारित करती थी दस दस का मतलब होता है इसलिए द असेंबली बिकम फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया और इसलिए जो है असेंबली जो है पहली संसद बनी तो आप आपको ध्यान रखना है पहली संसद कौन है पहली संसद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वेन एवर द असेंबली मेट एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी इट वॉज चेयर बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब भी वो संविधान बनाने की बात करते हैं तो उसके अध्यक्ष कौन होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब वेन इट मेट द लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब जब नियम कानून बनाने हैं तो उसके हेड कौन बनते हैं जिसको हम लोग इनडायरेक्टली कह सकते हैं स्पीकर जी वी मावलंकर ठीक है और वही भविष्य में जाके जो है स्पीकर भी बनते हैं है, है ना स्वतंत्र भारत फर्स्ट दिस टू फंक्शन कंटिन्यू टिल नवंबर 26, 1949. आपको पता है ना संविधान सभा जो है ना फाइनली जो है ना संविधान जो है छब्बीस नवंबर उन्नीस को बन जाता है और उसके दो महीने बाद जो है ना उसे लागू किया जाता है पूर्णतया और उससे पहले जो है कुछ सोलह सिक्सटीन आर्टिकल्स जो है उनको लागू किया जाता है ये सब बातें मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ कि कौन कौन से आर्टिकल्स अनुच्छेदों को लागू किया गया था आप पिछले लेक्चर भी देख सकते हैं तो आपको मेरी ये जो जो मैं बहुत एडवांस टर्म्स भी यूज़ कर रहा करूँ यदि आपको ऐसा लगता है तो आप सिक्वेंस में भी आप उनको कमेंट जो है लेक्चर्स को देख सकते हैं तो देखिए दिस टू फंक्शन कंटिन्यू टिल ट्वेंटी सिक्स और यहां तक जो है ना टास्क ऑफ मेकिंग जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना तब तक जो है ना ये दोनों बराबर साथ साथ में काम करने लगे तो ये बात पता चल गई तो पहला पॉइंट तो इंडिपेंडेंट एक्ट में क्या था कि भारत संप्रभु है किसी भी तरह से बना सकता है और दूसरा दो कमेटी होंगी उसमें एक तो संविधान सभा और एक संसद की तरह काम करिए एक एक्ट एक बनाएगा और दूसरा जो है संविधान का निर्माण करेगा स्वतंत्र भारत के लिए तीसरा पॉइंट आ रहा है मुस्लिम लीग मेंबर हेलिंग फ्रॉम द एरियाज इंक्लूडिंग इन द पाकिस्तान जो

पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान में चले जाते हैं और फाइनली भारत में जो थ्री एटी नाइन है उसका आंकड़ा टू नाइनटी नाइन कराया जाता है फिक्स जो कि उन्नीस सौ छियालीस में ये फिक्स किया गया था तो ठीक है ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई है तो द स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन प्रोविंस वॉज रिड्यूस टू नाइन्टी सिक्स देखिए जो प्रिंसली स्टेट थे जो कि अंग्रेजों अंग्रेज जो कि जो गवर्निंग बॉडी थी मतलब जो राज्य थे उसमें जो 296 की संख्या थी वो कितने में तब्दील हो जाती है दो में क्योंकि वो लोग बाकी सारे कहाँ चले जाते हैं पाकिस्तान में और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं है, है ना उसमें से भी कुछ राज्य जो है वो पाकिस्तान में चले गए होंगे तो ये नाइन्टी से आंकड़ा कितना रह जाता है सेवेंटी का रह जाता है तो ये बात आपको एक छोटी सी पता होनी चाहिए द स्टेट वाइज मेंबरशिप ऑफ द असेंबली एज डेट तो जो स्टेट वाइज जो मेंबरशिप है असेंबली की वो डिसंबर थर्टी फर्स्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन में जो है ना वो क्या संख्या रह जाती है वो आपको एक है ना आगे एक टेबल है मैं आप उसको उसमें आपको मैं एकदम क्लियर कर दूंगा तो देखिए अदर फंक्शन क्या क्या होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी एक बेसिक सी बात बता दी है अदर फंक्शंस क्या क्या होते हैं तो इन एडिशन टू मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनैक्टिंग ऑर्डिनरी लॉ इसके अलावा क्या क्या होता है तो देखिए भारत जो है वो कॉमनवेल्थ मतलब कि राष्ट्रमंडल का हिस्सा बन जाता है मई उन्नीस में दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि नेशनल फैक कब क्लब कब स्वीकार कर लिया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे तो जुलाई 22 1947 को और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान इन दोनों को कब शामिल कर लिया जाता है इन्हें जनवरी 24 1950 और जनवरी 24 1950 दोनों को एक ही दिन जो है भारतीय संविधान में जो है इसको एज ए नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया जाता है देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने एक थोड़ी सी एक बात गलत बता दी थी मैंने बोला था कि जो राष्ट्रीय गीत है जिसे आनंद मठ से लिया गया है जो कि सन्यासी विद्रोह से संबंधित था आनंद मठ जो है जो उनका है ना आनंद मठ जो है बंकिम चंद चटर्जी का तो उसे पहली बार 1886 में मैंने गलती से बोल दिया था वो अट्ठारह में गाया गया था है ना और पहली बार उसे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में पॉइंट क्लियर है तो मेरे को ये जो पिछली गलती है वो मैं आपसे सुधारना चाहता हूँ कि अट्ठारह की बजाय अट्ठारह सौ में पहली बार गाया गया था आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए राष्ट्रीय गान जो कि नेशनल एंथम है वो पहली बार कब गाया गया था तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए तो देखिए इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेवेन्थ सेशन पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ग्यारह कुल सेशन होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो चौबीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को जो है ना जब दो दिन पहले गणतंत्र बनने से पहले मतलब जो छब्बीस जनवरी को गणतंत्र बनता है उससे दो दिन पहले भारत के वो राष्ट्रपति इलेक्ट कर लिए जाते हैं अब देखिए ग्यारह सेशन में बनता है कुल और है ना टोटल जो है दो वर्ष ग्यारह माह और अट्ठारह दिन का समय लगता है एक सौ चौदह दिन जो है ना ड्राफ्ट बनता है ड्राफ्ट का मतलब जिसके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष होते हैं उसका ड्राफ्ट बनता है और भारत ने कुल साठ अलग अलग देशों से जो है ना अपने संविधान के जो कुछ कुछ बातें ली हैं वो साठ अलग अलग देशों से ली है और लगभग जो है सिक्सटी फोर लाख रुपये में इसमें टोटल खर्चा आता है 24 जनवरी 1950 को क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फाइनल सेशन होता है इट हाउ एवर डिड नॉट एंड एंड कंटिन्यूड प्रोविंस है ना प्रोविजनल पार्लियामेंट इन इंडिया तो 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाइनल सेशन होता है ये बात आपको एक याद रखनी है और देखिए 26 जनवरी 1950 को भारत के अंदर नई संसद का निर्माण हो जाता है और फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो है उन्नीस सौ इक्यावन बावन में होते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि, कि किस दिन संसद की पहली बैठक हुई थी जब भारत स्वतंत्र हो गया था उसके बाद संसद की पहली बैठक किस दिन हुई थी और प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था भारतीय संविधान में वो किस वर्ष में हुआ था और कौन से जो है ना आ, आर्टिकल में और शेड्यूल में हुआ था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत में फर्स्ट अमेंडमेंट संशोधन किस वर्ष और किस में हुआ अब देखिए विभिन्न प्रकार की कमेटी थी इनको मैंने हिंदी में लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया है तो अलग अलग कमेटियां थी आउट ऑफ एट वर मेजर कमेटी एट आठ जो थी मुख्य कमेटी थी और जो है बाकी रिमेनिंग जो है वो माइनर कमेटी थी राइट तो हमने इसको हिंदी में भी सेक्शन को पढ़ा हुआ है यूनियन पावर कमेटी यूनियन पावर कमेटी का मतलब संघ शक्ति जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे जवाहरलाल नेहरू साहब ये एक-एक क्वेश्चन -एक एग्जाम एक में आता है मिलान करने को तो देखिए ये या आपको याद होना चाहिए यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है उसके भी जवाहरलाल नेहरू जी ही उसके अध्यक्ष थे ठीक है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो थी प्रोविंशियल का मतलब प्रांतीय उसके अध्यक्ष कौन थे सरदार पटेल जी है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट कौन से शहर में है है ना आपको सारे के सारे जो भारत के अंदर टोटल जो तेरह इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं उनके सभी के नाम पता होना चाहिए और वो किस राज्य में ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि जितने भी एयरपोर्ट्स हैं भारत में वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो तो आपको सबको पता है बी आर और ये टोटल सेवन मेंबर्स थे अब जो एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया जो थे जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के थे और नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के थे है ना नेफा के तो उसके सरदार पटेल है ना तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं माइनॉरिटी का मतलब अल्पसंख्यक है जनजातीय है और जो एक्सक्लूडेड एरिया थे जो अलग से थे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन थे है ना पूर्वोत्तर राज्य उसके अध्यक्ष जो हैं वो सरदार पटेल जी थे लेकिन इसकी जो सब कमेटियाँ थी क्योंकि उसके अंडर में भी जो थे है ना तो वो किस किस के पास थी तो देखो फंडामेंटल राइट्स का जो सब कमेटी थी है ना वो जे बी कृपलानी के पास थी माइनॉरिटी का मतलब जो अल्पसंख्यक के जैसे मुस्लिम्स हैं जैसे सिख हैं वो एच सी मुखर्जी जी साहब के पास थी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर मतलब नेफा जो थे आज से पहले जो है आजकल तो हम लोग अरुणाचल प्रदेश असम वगैरह जानते हैं मेघालय पहले उसे नेफा कहा जाता था तो देखिए उसके जो हेड थे और जो ट्राइबल एरिया के हेड थे वो गोपीनाथ बारदोलोई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए गोपीनाथ बारदोलोई जो हैं वो एयरपोर्ट किस शहर में है ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है एक्सक्लूडेड एंड पार्शियल एक्सक्लूडेड एरिया जो थे उसके एवी ठक्कर एवी ठक्कर जो है ये है ना अदर देन असम असम के अलावा जो भी क्षेत्र जो एक्सक्लूडेड एरिया था उसके अध्यक्ष कौन बनाए हुए थे है ना सब कमेटी के हेड वो एवी ठक्कर बनाए हुए थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमेटी वगैरह वो सब इसके अंदर आ गई तो देखिए रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी जो प्रोसीजर कमेटी थी जो आगे से आगे नियमावली नियमावली बनाएगी तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उसके स्टेट कमेटी राज्य की जो कमेटी थी निगोशिएटिंग विथ स्टेट इसके जवाहरलाल नेहरू जी थे और स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिनको ये समझ में नहीं आया इंग्लिश में मैंने आपको सारी बातें हिंदी में भी जो है लास्ट लेक्चर में बताइए तो उसमें आपको एकदम समझ में आ जाएगा इसको देखेंगे तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल फील हो जाएगा अब देखिए आगे क्या आता है जो माइनर कमेटी थी ये सभी जो पहले आठ गई हैं वो मेजर कमेटी है माइनर कमेटी में देखिए फाइनेंस और स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी क्रेडेंशियल कमेटी क्रेडेंशियल का मतलब है जो भी जो भी क्रेडेंशियल होते हैं ना क्रेडेंशियल का मतलब सत्यता के ऊपर आधारित जो होते हैं उसके आलादी कृष्णा स्वामी अय्यर के पास थी हाउस कमेटी जो है वो बी पट्टा भाई सीतारामैया तो पट्टा भाई सीतारमैया जो है उनके पास गृह कमेटी थी इसके बाद में ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी जो है के एम मुंशी के एम मुंशी साहब के ऑर्डर ऑफ बिजनेस जो बिजनेस संचालित करेंगे आपको पता होगा एडहॉक का मतलब होता है एक तरह से टेम्परेरी एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास थे आपको पता होगा झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फंक्शन करेगी उसके अध्यक्ष कौन थे जीवी मावलंकर एडहॉक का मतलब टेम्परे कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन थे एस वारा है ना वाराधाचारी है ना नॉट एन असेंबली मेंबर तो याद रखना एस वाराधाचारी जो है ना ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे लेकिन ये वकील थे तो इनका नॉलेज जो है बहुत अच्छा था इसलिए टेम्प्रेरी कमेटी एस वाराधाचारी के पास थी ठीक है इसके बाद में देखिए कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस आपको पता है ना कि जो चीफ कमिश्नर ही थे वो कुल चार थे है ना कौन कौन से थे बलूचिस्तान अजमेर मेरवाड़ा दिल्ली और कुर्ग जो कि कर्नाटका में तो उसके जो कमेटी के जो हेड बनाए हुए वो भी थे वो बी पट्टा भाई सीतारामैया थे एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविंस एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन तो उसके नलिनी रंजन सरकार है ना नलिनी रंजन सरकार ये भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं था तो मेनली जो है ना ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात आपको एक याद रखनी है हाँ ये जरूर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक जो प्रोविंस है मतलब भाषाई भाषाई आधार पर जो कमीशन बनाया गया था वो एस के धार एस के धार समिति आज भी बहुत फेमस है एग्जाम एस के धार समिति के ऊपर आता है तो याद रखना भाषा भाषाई राज्यों के लिए जो समिति थी वो एस के धार थी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है है ना तो ये सभी क्वेश्चन जो है ना वो आपको आने चाहिए और यदि आपसे पूछा जाए जाएगी टेम्प्रेरी जो सिटीजनशिप नागरिकता के लिए क्योंकि नागरिकता का जो मत है वो वही दे सकता है जो बहुत अच्छा वकील है और जिसने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को देखा है तो एस वाराधाचारी यही इसके हेड थे अब आ रही है बात ड्राफ्टिंग कमेटी की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है ना और देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी को क्या बोलते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप ऑन उन्तीस अगस्त उन्नीस को जो है ये पहली बार है ना बनाई जाती है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में इसके और मेंबर्स कौन कौन है एन गोपाल स्वामी अयंगर आलादी कृष्णा क्रिष्ट, क्रिष्ट, स्वामी अय्यर डॉक्टर के एम मुंशी सैयद मोहम्मद सादुल्ला एन माधव राव अब देखिए एन माधव राव जो है ना बी एल मित्तर ये जो है इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है इसलिए एन माधव राय इनको रिप्लेस करते हैं बी एल मित्तर को तो ये बात याद रखना है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी और देखिए डी पी खेतान साहब जो है उनकी मृत्यु हो जाती है उन्नीस सौ अड़तालीस में इसलिए टी टी कृष्णाचारी जो है उनकी जगह रिप्लेस किया जाता है प्रारूप समिति में तो ये बात एक आपको याद रखनी है अब देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी आफ्टर टेकिंग इनटू टू कंसिडरेशन ऑफ द प्रपोजल ऑफ वेरियस कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी जो है बहुत सारे प्रपोजल्स को देखती है उसके ऊपर काम करती है अपने नए नए पूरे के पूरे ना लिखित में संविधान बनाती चली जाती है तो सबसे पहली बार जो सेशन होता है ड्राफ्टिंग कमेटी का वो देखिए फर्स्ट ड्राफ्ट जो तैयार ड्राफ्ट का मतलब होता है कुल मिला लिखना तो जो लिख लिखना शुरू करते हैं ना ये लोग लिखना शुरू करते हैं और देखिए मैं आपको एक बेसिकली बात बताता हूं कि एक्चुअल में संविधान सभा में हो क्या रहा है संविधान सभा में मीटिंग होती है वहां पर जो जो डिस्कशन होता है उसके आधार पर क्या करते हैं ये संविधान को ड्राफ्ट करना शुरू करते हैं और ड्राफ्ट हो जाने के बाद में फिर बहस शुरू होती है कि किस में क्या क्या संशोधन किया जाए और भारत के लिए जो है इंडिया के लिए सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है उस पर ये जो बुद्धिजीवी हैं वो अपने मतों को है ना बहुत अच्छे से परसुएसिव तरीके से रखते हैं कि भारत जो है किस तरह से विकास की राह पर चलेगा तो इस तरह से क्या होता है ये बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हैं। तो पहला जो लिखित बनता है फर्स्ट ड्राफ्ट जो बनता है वो जो है पब्लिश्ड होता है फरवरी 1948 को ही बन जाता है, है ना पहला ड्राफ्ट द पीपल ऑफ इंडिया वर गिवन एट मंथ डिस्कस द ड्राफ्ट और भारतीय लोगों को क्या किया जाता है आठ महीने दिए जाते हैं और प्रपोज अमेंडमेंट की इसमें क्या क्या संशोधन हो सकता है उसकी भी बात करते हैं अब देखिए क्या होता है इन द लाइट ऑफ द पब्लिक कमेंट लोगों के कमेंट क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना और कई सजेशन के बाद में जो है ना द ड्राफ्टिंग कमेटी प्रिपेयर सेकेंड ड्राफ्ट तो पहले ड्राफ्ट को स्वीकार नहीं किया जाता दूसरा ड्राफ्ट फिर जो है लोगों के सजेशन लोगों की आलोचना के आधार पर बनाया जाता है और फाइनली ये जो पब्लिड होता है वो अक्टूबर उन्नीस को ये भी पब्लिश हो जाता है एग्जैक्टली आठ महीने बाद तो ये बात समझ में आ गई आपको ड्राफ्टिंग कमेटी जो है कुल कितना समय लेती है छह महीने का समय टू प्रिपेयर ए ड्राफ्ट ड्राफ्ट बनाने में छह महीने का समय लगता है है ना और टोटल डेज जो है 140 141 दिन इनको लग जाते हैं अब देखिए क्या होता है इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अब क्या हो रहा है संविधान को लागू करना इनेक्टमेंट तो देखिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो है फाइनल ड्राफ्ट जो है लाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का इन द असेंबली इन नवंबर 1948 फोर्टी एट तो सेकेंड जो ड्राफ्ट है ना जो फाइनल ड्राफ्ट माना जा रहा है उसकी फर्स्ट रीडिंग शुरू होती है और पांच दिन का डिस्कशन होता है देखिए ये डेज का है ना तो चार नवंबर से लेकर जो है ना चार नवंबर को तो रीडिंग करते हैं और पांच नवंबर से नौ नवंबर के बीच पांच दिन जो है है ना ये लोग क्या है इसके ऊपर डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं फिर जो सेकेंड रीडिंग है इस तरह से रीडिंग चलती रहती है और देखिए देखिए आपको यहां पर दिख रहा होगा एज मैनी सेवन सिक्स फाइव थ्री मतलब सात हजार छह सौ तिरपन सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री अमेंडमेंट्स जो है ये बताते हैं कि देर शुड बी दिस दिस नंबर ऑफ अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन इस संविधान को इतने सारे संशोधन की आवश्यकता है लेकिन इतनों पर डिस्कशन नहीं होता दो पर एक्चुअली डिस्कशन होता है तो देखिए संविधान सभा कोई मजाक नहीं थी ये लोग बहुत पूरा पूरा दिन रात लगा के उसके ऊपर है ना डिस्कशन किया करते थे है ना इस तरह से थर्ड रीडिंग होती है इस तरह से रीडिंग चलती रहती है और फाइनली जो है ना आउट ऑफ द टोटल टू मेंबर्स ऑफ द असेंबली ओनली टू एक्चुअली प्रेजेंट जो है 26 नवंबर उन्नीस को जब फाइनली संविधान जो एक्सेप्ट हो जाता है, है ना तो उस दिन जो है दो सौ लोग टोटल है क्योंकि आपको पता है ना 389 में से जो है लगभग 90 लोग तो पाकिस्तान में चले गए तो अभी कितने बचे? 299 तो इनमें से केवल चौरासी प्रेजेंट होते है और वो करते हैं तो ये बात समझ में आ गई तो सिग्नेचर कितने लोगों ने किया 284 लोगों ने एक्चुअली प्रेजेंट ऑन द डे एंड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन और वो कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन करते हैं दिस इज ऑल्सो डेट इन द प्रियम्बल और 26 नवंबर उन्नीस यही डेट संविधान के प्रस्तावना में भी दिए कि इतने लोगों ने जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया था ये पॉइंट क्लियर हो गया अब देखिए जो फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होकर तैयार हो जाता है साइंड भी हो जाता है एक्सेप्ट हो जाता है पूरे भारतीय लोगों के द्वारा क्योंकि भारतीयों के प्रतिनिधियों ने ही इसको एक्सेप्ट किया है इसका मतलब भारतीय लोगों ने भी स्वीकार कर लिया तो फाइनली जो है नवंबर छब्बीस उन्नीस को जो है प्रियम्बल प्रियम्बल तीन सौ पचानवे आर्टिकल और एट शेड्यूल मतलब अनुसूचियों को क्या कर लिया जाता है इनैक्ट कर दिया जाता है ठीक है अब देखिए बी आर अम्बेडकर जो है वो लॉ मिनिस्टर बनते हैं पहले पायलटेड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने ही ड्राफ्टिंग की है पूरा मेन जो है ना इनकी लैंग्वेज भाषा और इनका जो है ना वकील का जो समझ था इनको लैंग्वेज का इन्होंने बहुत अच्छा अप्लाई किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ही टुक अ वेरी प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द डेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा जोर शोर के साथ में इन्होंने जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमुख अंग की तरह से इसका में हिस्सा लिया ही इज नोन एज लॉजिकल बहुत ही न लॉजिकल और दबाव पूर्वक और परसुएसिव आर्ग्यूमेंट जो कि है ना बहुत ही फोर्सफुल आर्ग्यूमेंट हुआ करते थे वो सभी इन्होंने अपनी असेंबली में रखे थे जिस तरह से आज की तारीख में जो संसद चलती है आपने कभी संसद का भाषण सुना हो या संसद में जब जो है डिस्कशन चलता है तो उसमें जिस बी आर अम्बेडकर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया कि उन्होंने क्यों इस तरह का संविधान लाए हैं और इसीलिए इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है ही वॉज अ ब्रिलियंट राइटर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे संविधान के एक्सपर्ट थे अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द शेड्यूल कास्ट जो अनुसूचित जातियां हैं उनके अनडिस्प्यूटेड मतलब निर्विरोध जो है वो लीडर है आपको सभी को पता है एंड ही इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और वही जो है ना मुख्य निर्माता है संविधान के और इसीलिए उनको मॉडर्न मनु भी कहा जाता है तो इस तरह के टर्म्स जो है ना आपको पता होने चाहिए अब देखिए एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन को जो छब्बीस नवंबर है है ना उन्नीस सौ को इस दिन कुल केवल 16 आर्टिकल्स को क्या किया जाता है उनको लागू किया जाता है रिमेनिंग जो आर्टिकल्स हैं उन्हें 26 जनवरी 1950 में जब भारत गणतंत्र बन जाता है तब लागू किया जाता है पॉइंट क्लियर है तो देखिए देखिए आपको यहाँ पर संख्या समझ में आ जाएगी तो देखिए कि कुल जो आर्टिकल है पांच छः सात आठ नौ सात तीन सौ चौबीस तीन सौ छियासठ थ्री सिक्स सेवन थ्री सेवेंटी नाइन थ्री एट्टी थ्री एट्टी एटी थ्री नाइन्टी वन थ्री नाइन्टी टू थ्री नाइन्टी थ्री कितने हो गए काउंट कर लीजिए एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह तो देखिए पंद्रह तो आर्टिकल ये आ गए है ना कुल ये जो आर्टिकल्स की संख्या है ना आप काउंट करेंगे तो पंद्रह आएगी पंद्रह प्लस एक ये एक कौन सा आर्टिकल बोल रहा हूँ पंद्रह आर्टिकल तो ये गिवन है थ्री नाइन्टी फोर तीन सौ चौरानवेवा आर्टिकल जो है छब्बीस नवंबर उन्नीस सौ उनपचास को ये बोला गया तीन सौ चौरानवे आर्टिकल में कि ये सभी आर्टिकल लागू होंगे तो इसमें ये बताया कि ये सभी आर्टिकल लागू होंगे ये जो आर्टिकल है ना वो तीन सौ चौरानवेवा है तो इस तरह से क्या होता 16 से है टोटल सोलह आर्टिकल्स जो लागू होते हैं तो याद रखना संविधान में 26 नवंबर उन्नीस को कुल को सोलह सिक्सटीन आर्टिकल लागू होते हैं है ना तो ये नवंबर उन्नीस में 26 नवंबर को लागू हो जाते हैं रिमेनिंग जो है वो 26 नवंबर को लागू हो जाते हैं और फिर कमेंसमेंट होता है भारत एक गणराज्य के तौर पे सामने आता है अब देखिए इन्होंने 26 जनवरी को ही क्यों चुना तो इसके पीछे मैं आपको बेसिकली कारण बताता हूं मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि उन्नीस में जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था है ना कांग्रेस द्वारा, तो उन्होंने अगले वर्ष मतलब 1930 के लिए घोषणा की थी कि हम जो है 26 जनवरी को हमेशा स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तो देखिए स्वतंत्रता तो हमारे हाथ में नहीं थी क्योंकि वो तो अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को दे दी थी तो 26 नवंबर इन्होंने ये डेट जो लाहौर के अधिवेशन में चुना था 1930 के लिए तब से वो हमेशा झंडा फहरा के भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाते थे तो इसीलिए इस दिवस को उन्नीस सौ के बाद 1930 के बाद से जो है स्वतंत्रता दिवस के कारण ही 26 जनवरी 1950 को 1950 को जो है हमने गणतंत्र बनाया तो आपको ये बात कोई कमेंट में पूछे कभी भी कोई भविष्य में पूछे कि भारतीय जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है तो उसके पीछे आप लाहौर के अधिवेशन में डिक्लेयर किया हुआ उन्नीस वाला मुद्दा बता देंगे ठीक है तो ये वाली बात एक क्लियर हो गई विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 है ना 1900 ज्यादातर जो आर्टिकल है ना अधिकांश जो आर्टिकल हैं वो हमने 1935 से लिए हैं ठीक है लगभग 230 आर्टिकल जो है अब देखिए तीन में, में से 230 आर्टिकल तो हमने सीधे सीधे कहाँ से लिए हैं 1935 के एक्ट के तहत लिए हैं ठीक है देखिए द एबोल्यूशन ऑफ प्राइवी है ना देखिए विद द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऑल द इनेक्टमेंट तो संविधान सभा में 1935 के एक्ट से लगभग सीधे सीधे लिए हैं लेकिन हमने 1935 के एक्ट को खारिज कर दिया था मतलब उसको पूर्णतः लागू नहीं किया उसके भाग को संविधान में शामिल करके फिर उसको अप्लाई किया तो यह बात समझ में आ गई आपको लेकिन जो है ना प्रिवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट वो उसे फिर भी कंटिन्यू रखा तो ये यह पर्स आपने बहुत सुना होगा जिसको इंदिरा गांधी ने जो कैंसिल किया था आपको याद आ रहा होगा प्रिवी पर्स जो है राजा महाराजाओं को विशेष सुविधा मिलती थी उनको विशेष इम्यूनिटी मिलती थी इम्यूनिटी का मतलब है कि उन पर कोई भी केस कोर्ट केस भी नहीं होगा यदि वो कुछ कर भी देते हैं लेकिन इस सभी को समाप्त किया था इंदिरा गांधी ने और इंदिरा गांधी जी का इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा विरोध भी हुआ था तो ये बात आपको याद रखनी प्रीवी पर्स ठीक है क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो संविधान सभा की क्रिटिसिज्म क्या है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए तो देखिए क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना की कई लोगों ने कि भारतीय संविधान में ये ये कमी है तो एक तो ये कि इट इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी मतलब ये प्रतिनिधियों की जो है ना तंत्र नहीं था इसके पीछे कारण क्या था कि भाई आपको पता होगा कि जो दो सौ लोग आए उनमें से जो प्रिंसली स्टेट के जो थे मेम्बर्स वो तो ऐसे कैसे आ गए थे राजा महाराजाओं द्वारा भेजे गए थे और जो भी लोग चुनकर आए थे प्रांतों से जो ब्रिटिश प्रांत थे वहां से वो लोग भी है ना वो लोग भी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से नहीं आए थे जो है ना व्यस्क मताधिकार से नहीं आए थे ना ही उस समय सभी लोगों को मत देने का अधिकार था केवल लगभग दस प्रतिशत को अधिकार था ये बात मैंने आपको जो है ना 1935 का अधिनियम जब पढ़ाई थी तब बताया था कि केवल दस प्रतिशत लोगों को मत देने का अधिकार था तो यहां पर तो भारतीय लोग सभी दे भी नहीं रहे तो ये तो एक तरह से क्या है प्रतिनिधित्व मंडल प्रतिनिधियों की बॉडी थी ये एक्चुअल में जो है ना ये डेमोक्रेसी नहीं थी यहां पे यहां पर लोकतंत्र नहीं था क्योंकि सभी लोगों ने इसमें हिस्सा इस नहीं लिया चुनकर जो लोग आए वो सभी लोगों के मत से नहीं आए थे तो पहला पॉइंट तो ये हो गया तो इट वॉज अ क्रिटिसिज्म यही भारत की संविधान की एक आलोचना है नॉट ए सॉवरेन बॉडी ये एक संप्रभु बॉडी नहीं थी क्यों क्योंकि संप्रभुता तो तब होगी ना जब भारत ने खुद ने निर्णय लिया और भारत खुद ही संविधान बना रहा है लेकिन इसको तो ब्रिटिश लोगों ने बोला था कि है ना जो कॉन्स्टिट्यूंट मिशन आया था है ना संविधान सभा अधिनियम जो आया था उसके तहत आदेश दिया था कि भाई तुम है ना संविधान बनाओ तो क्या भारत ने संप्रभुता से ये निर्णय लिया नहीं इनको जो है ना किसी ना किसी तो देखो यहां पर स्टेटमेंट लिखा है कि द क्रिटिक्स मेंटेन दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज नॉट अ सॉवरेन बॉडी वो संप्रभु नहीं थी अपने आप में पूर्ण शक्ति नहीं थी क्योंकि इट वॉज क्रिएटेड प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल के द्वारा आई थी है ना असेंबली हेल्ड एंड सेशन जो है किसकी परमिशन से बने थे जो भी जो भी सेशन हो रहे थे है ना जो भी वहां पर जो है ना मीटिंग्स होती थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के आदेश पर हुई थी ये इसको जो है ना बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग बोला जाता है आप जो है ना आप देखेंगे कि केवल फोर मंथ चार महीने के अंदर अंदर जो है ना अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन 1789 में बन गया था लेकिन भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको दो महीने दो साल ग्यारह महीने अट्ठारह दिन लगे तो ये बहुत ही लंबा है ना टाइम कंज्यूमिंग था तो ये बहुत बड़ा क्रिटिक्स है इसका है ना दे स्टेटेड दैट द फ्रेमर ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन टेक ओनली फोर मंथ्स एंड कंप्लीट देयर वर्क चार महीने के अंदर इन दिस कॉन्टेक्स्ट जो है ना किसने किसने ये बोला कि ये बहुत ट्राइम कंज्यूमिंग था तो आप आंसर भी दे सकते हैं नजीरुद्दीन अहमद अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अ न्यू नेम ड्राफ्टिंग कमेटी ड्रिफ्टिंग कमेटी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किसने जो है ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी बोला ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या है वो टाल रही है ड्रिफ्ट का मतलब होता है जिसको बहुत समय लग रहा है तो है ना नजीरुद्दीन अहमद ने बोला कि तो बहुत लेट कर रहे हैं लेकिन देखो भारत में इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है समाज इतना विखंडित है तो उसके लिए कम कंप्लीटनेस लाना इसको बहुत ही ज्यादा डिस्कशन की आवश्यकता थी तो इसलिए ड्राफ्टिंग कमेटी को समय लगा तो ड्रिफ्टिंग कमेटी क्यों बोला है किसने बोला है यह बात याद रखना ड्रिफ्ट का मतलब होता है लेट कर रहे हैं और आपको यह भी पता होगा कि मुस्लिम लीग तो चली गई थी तो केवल और केवल मेनली लोग किसके थे यहां पर कांग्रेस के तो इसका मतलब तो यहां पर एक ही पार्टी का वर्चस्व रहा है ना तो द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज वन पार्टी बॉडी है ना वन पार्टी वन पार्टी कंट्री तो यह जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स माना जाता है है ना ग्रैनविल ऑस्टिन ये ग्रैनविल ऑस्टिन जो है ना ये बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट माने जाते हैं संविधान के बहुत बड़े है ना अंतरराष्ट्रीय इन्होंने बोला था कि जो है ना भारत जो है इसके अंदर तो केवल और केवल जो है कांग्रेस ही का प्रभुत्व है और है ना एक व्यक्ति ने और ये भी बोला कि लॉर्ड जो साइमन है उन्होंने उसको हिंदुओं की सभा भी बोला था है ना? तो देखिए मेनली जो है ये कांग्रेस से ही डोमिनेटेड थी पूरी तरह से कांग्रेस के ही लोग थे है ना तो देखिए द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया इस तरह से जैसे बोलते हैं ना इंदिरा वाज इंदिरा इज इंडिया इंडिया इज इंदिरा इस तरह के कई बार है ना शब्द यूज करते हैं तो इस तरह से ऐसा लगा कि कांग्रेस ने ही सब कुछ बनाया इसमें है ना एक और क्रिटिक्स आता है कि ये तो है ना लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनियन डोमिनेशन था मतलब ज़्यादातर तो पॉलिटिशियंस थे और वो सब पॉलिटिशियंस जो है आपको पता होगा कि महात्मा गांधी इसके हिस्सा नहीं थे लेकिन महात्मा गांधी भी वकील थे तो जितने भी लोग थे जवाहरलाल नेहरू जी और जो भी आलादी कृष्णामाचारी ये जितने भी लोग हैं ज्यादातर ये जो है वकील हैं तो इसीलिए जो है ये वकीलों की वकीलों का स्वर्ग भी इसे कहा जाता है ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे है ना भारत को वकीलों का स्वर्ग किसने बोला

संविधान सभा का मतलब क्या है कांग्रेस है और कांग्रेस के द्वारा ही पूरा संविधान सभा को निर्मित किया गया था तो यह बात याद रखेंगे आप ठीक है है ना अब देखिए अगला देखिए डोमिनेटेड बाय हिंदू अब देखिए मुस्लिम्स तो चले ही गए थे ज्यादातर लेकिन कुछ मुस्लिम्स फिर भी शामिल थे तो इसे हिंदुओं की सभा भी बोला था लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने इसे क्या बोला था लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने बोला इट इज अ बॉडी ऑफ हिंदूज ये तो हिंदुओं की बॉडी है और सिमिलरली विंस्टन चर्चिल जो थे है ना जो पीएम थे विंस्टन चर्चिल जो है बहुत जाने माने पीएम रहे हैं प्राइम मिनिस्टर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के उन्होंने तो ये बोला था कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है तो दुल्हन क्यों क्योंकि दुल्हन का मतलब क्या है कि फर्स्ट पार्टी जो है जैसे दूल्हा तो किसको मानेंगे कांग्रेस को मानेंगे दुल्हन कौन हुई सबसे बड़ी पार्टी तो वो मुस्लिम लीग थी तो मुस्लिम लीग तो को तो छोड़ के चली गई थी क्योंकि वो पाकिस्तान बनाना था तो हिंदुओं की सभा जो है वो लॉर्ड साइमन ने बोला और वह यह एक ऐसी संस्था है एक ही जाति की संस्था कहा गया जैसे हिंदुओं की और किसने इसे जो है ना एक ऐसा विवाह जिसकी दुल्हन ही गाया भाई विंस्टन चर्चिल ने कहा था तो उसको ये बोला गया कि डोमिनेटेड बाय हिंदू है तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर जो है ना आप मेरे बार बार है ना मेरे थमलिल को भी देखते होंगे कि मैं जो है ना एलिफेंट का चित्र लगाया हुआ है है ना किस पर भारत के ऊपर है ना बार बार जो मेरा थमलेल जो इस मेरे वीडियो पर दिखाई देता है तो वही इसकी सील है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सील किसकी बनी हुई है है ना ये बी एन राव जो है वॉज अपॉइंटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया था बी एन राव को बनाया था

देखो उस समय कोई प्रिंटिंग प्रेस वगैरह का तो प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी थी लेकिन जो है ना उस समय हाथों से लिखा जा रहा था संविधान तो कैलीग्राफर का मतलब जो सुंदर राइटिंग में लिखा जाता है ताकि है ना ये आज भी जो है ना देहरादून ये जो है ना आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज भी संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो उस समय निर्मित हुआ था उसे आज भी कहाँ पर जो है ना संचित करके रखा हुआ ये बात मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए तो प्रेम बरारी नरेन इजदा ये कैलीग्राफर थे जिसने सुंदर राइटिंग में इसको लिखा था राइट और इसे इटैलिक स्टाइल में इटैलिक का मतलब थोड़ा सा टेढ़ा लिखते हैं ना इटैलिक स्टाइल में लिखा था तो ओरिजिनल वर्जन, वर्जन वाज ब्यूटिफाइड और देखो जो ओरिजिनल वर्जन है ना उसको इधर उधर से साइड से जो सुंदर बनाया था है ना वो वो जो ब्यूटिफाई का मतलब है उसके आसपास जो आर्टिस्टिक जो एक्ट किया था वो जो है वो नंद लाल बोस ने और बेहोर राम मनोहर सिन्हा ने किया था तो ये बात एक आपको याद रखनी है ना बेहोर राम मनोहर सिन्हा इल्यूमिनेटेड ब्यूटीफाई एंड ऑरियटेड ऑर्नामेंटेड ऑर्नामेंटेड का मतलब है उसको आभूषण रत्न जनित टाइप से बनाया है ना तो ये बात आपको एक याद रखनी है ना तो ये मेनली आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपको ये बात पता ही है कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस से जो है कुल 292 लोग आए थे प्रिंसली राज्यों से तिरानवे लोग थे ये हमको सब पता ही है और चीफ कमिश्नरेट से चार थे तो 389 एटी नाइन की संख्या था तो अभी जो है आपको इस संख्या वाले पूरे टेबल जो है क्लियर होनी चाहिए ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी और मुस्लिम लीग तिहत्तर पे इसीलिए इसको दूल्हा और दुल्हन कहा जा रहा है? है ना तो टोटल जो मेम्बर्स थे वो टू थे जो प्रांतों से चुनकर आ रहे थे और जो कम्युनिटी वाइज बात करें कम्युनिटी का मतलब अलग अलग धर्मों वाइज तो सबसे ज़्यादा जो संख्या थी आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदुओं के कितनी संख्या थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो आप बता सकते हैं एक मुस्लिम कितने लोग थे तो ये थे 80 थे और शेड्यूल कास्ट के कितने लोग थे तो 31 थे और इंडियन क्रिश्चियन कितने थे छः थे तो आपको हिंदू और मुस्लिम तो ज़रूर याद रखना है ठीक है और यदि आपसे ये आप पूछा जाए कि सिख कितने थे तो चार और बैकवर्ड ट्राइब्स जो थी वो छः थे तो ये कुल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिस्सा थे अब देखिए ये जो आ रहा है ना ये कुल कुल मिला के देखो ये ये कमिश्नरी और जितने भी प्र, जो प्रोविंस के राज्य थे तो आपको पता है एक तो मद्रास राज्य था उस समय तो आपको आज आज ये राज्यों का भी क्लियर हो जाएगा मद्रास राज्य था बॉम्बे था वेस्ट बंगाल था यूनाइटेड प्रोविंस वही है जो आज की तारीख में यूपी वाला हिस्सा है उत्तर प्रदेश आज भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं और उस समय भी यूनाइटेड प्रोविंस में सबसे ज्यादा सीटें हुआ करती थी कमेंट बॉक्स में बताइए कि एम और और मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा में यूपी की कुल कितनी सीटें पर रिप्रेजेंट करता है यूपी उत्तर प्रदेश यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये आपको सब पता होना चाहिए कि राजस्थान कितना रिप्रेजेंटेशन है है ना लोकसभा में और राज्यसभा में तो आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश का कितना रिप्रेजेंटेशन है और राजस्थान का कितना रिप्रेजेंटेशन है और हरियाणा का लोकसभा और राज्यसभा में कितना रिप्रेजेंटेशन है ठीक है तो देखिए इसके बाद में ईस्ट पंजाब क्योंकि वेस्ट पंजाब जो है वो तो पाकिस्तान में शामिल हो गया था बिहार है ना सीपी और बरार बरार जो है असम उड़ीसा दिल्ली है ना दिल्ली अजमेर मेरवाड़ा और कुर्ग देखो इसमें कौन सा निकल गया एक आपका बलूचिस्तान जो है बलूच बलूच एरिया निकल गया क्योंकि बलूचिस्तान किस में आ गया पाकिस्तान में आ गया और कुछ सत्तर जो है ना वो प्रिंसली राज्य थे प्रिंसली का मतलब देसी रियासतें तो देखिए देसी रियासत में आपको एक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा देसी रियासत में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी मैसूर ये देखिए मैसूर में सबसे ज्यादा सात सीटें माइजोर जिसे मैसूर बोलते हैं और मैसूर का जो जो हेड थे है ना तो मैसूर में जो है सबसे दुनिया का सबसे अमीर राज्य माना जाता था वो और वो अंत तक है ना भारत में शामिल नहीं और फाइनली जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के दबाव से उसको भारत में शामिल कर लिया गया है ना पुलिस पुलिस दबाव के प्रयोग से तो ये बात समझ में आ गई मैसूर देखो सबसे बड़ा है और एक और जो है ना जिसको आज की तारीख में केरला कहते हैं केरल उसको ट्रावेंडकोर ट्रावेंड कोर कहते तो देखो ट्रावेंड कोर की छह सीटें तो ये कुछ प्रिंसली राज्य थे तो प्रिंसली स्टेट कितने हो गए देखिए प्रिंसली स्टेट टोटल्स कितने थे है ना तो देखो ओहो ये प्रिंसली स्टेट जो है ना टोटल प्रिंसली स्टेट ये ऊपर लिखा हुआ देखो सत्तर टोटल प्रिंसली स्टेट सत्तर थे जो भारत के अंदर थे है ना आपको पता है टोटल कितने थे नाइन्टी थ्री थे तो भारत में कितने थे सत्तर तो पाकिस्तान में कितने चले गए ट्वेंटी थ्री पाकिस्तान में देसी रियासतें चली गई थी तो ये समझ में आ गया आपको है ना अब देखिए टोटल जो सेशन हुआ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए टोटल सेक्शन कितने हुए थे हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था टोटल 11 सेशन हुए है ना अंतिम सेशन जो है वो 26 नवंबर को खत्म हुआ और उसमें 284 लोगों ने जो अपने सिग्नेचर किए थे फाइनली एक्सेप्ट स्वीकार कर लिया था है ना तो ये एक क्वेश्चन जो है ना आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए देखिए एग्जाम में एक बहुत अच्छा प्रश्न आ सकता है कि जो ये सातवां सेशन है सेवेंथ सेशन इसका आप समय देखिए आपसे पूछा जाए 11 सेशन में सबसे लंबा सेशन कौन सा था तो आप आंसर क्या देंगे सेशन वाज द लॉन्गेस्ट सेशन है ना ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सातवां सेशन सबसे लंबा था तो आप इसी के अनुसार मुझे कमेंट बॉक्स में इसमें पढ़ के बताइए थोड़ा दिमाग लगाइए कि सबसे छोटा सेशन कौन सा था है ना दिनों के हिसाब से है ना तो यह बात आपको बतानी है मुझे अब देखिए आगे चलते हैं असेंबली वाज वंस मैट 24 जनवरी 1950 को भी जो है ना मतलब गणतंत्र बनने से दो दिन पहले भी जो है ना संविधान सभा जो है इकट्ठा हुई थी एक बार के लिए है ना और वहाँ पर सिग्नेचर एक बार और फिर है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सिग्नेचर हुए थे तो अब जो है मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अब बताने जा रहा हूं। और इसके बाद में पढ़ लिया है तो कि संविधान के अंदर बनता कैसे था कैसे डिस्कशन होता था तो आज क्या आपको यदि सच में समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर आज जो क्लास में जो है सब कुछ समझ में आया है और पिछले सेक्शन को भी लेक्चर को देखिए ताकि आप मुझे बता सकें और जो है ना जिसको भी लेक्चर्स अच्छे लगते हैं ना वो जरूर एक बार ये सब लिख दीजिए वेरी नाइस क्लाइस वेरी गुड बहुत ही मजा आया वी एंजॉइंग इस तरह के स्टेटमेंट से मुझे बहुत खुशी होगी ठीक है तो देखिए आपको अपने साथियों के साथ भी इसे शेयर करेंगे तो अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए कैबिनेट मिशन प्लान आया था आपको पता ही है ना उन्नीस के अंदर तो कैबिनेट मिशन प्लान में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कौन से तीन व्यक्ति थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस सर स्टिफोर्ड क्रिस्प जो क्रिस्प मिशन आया था जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था है ना कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि Stiff, जो जो क्रिस्प मिशन था उसे जो है क्यों खारिज कर दिया था है ना भारत इंडियन कांग्रेस ने खारिज किया था मुस्लिम लीग ने खारिज किया था और गांधी जी ने इसके ऊपर क्या बोला था है ना आपको याद आ रहा होगा पोस्ट डेटेड चेक वाली बात पोस्ट डेटेड चेक ए वी एलेक्जेंडर तो ये तीन व्यक्ति थे ये भारत में आए थे है ना कब आए थे 24 मार्च 1946 को आए थे और उन्होंने पब्लिश किया था मई 16 1946 को क्या पेश किया था कि कैबिनेट मिशन प्लान कि भारत में जो है ना संविधान बनेगा दूसरा जो पॉइंट आ रहा है वो देखिए क्या है और जितने भी राज्य थे वो मैंने पहले ही बता दिया मद्रास बॉम्बे यूपी बिहार सेंट्रल प्रोविंस सीपी और बैरार बैरार वाला क्षेत्र उड़ीसा पंजाब नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो था जो कि जो कि उत, पूर्वोत्तर राज्य हमारे सेवन सिस्टर्स वो सिंध बंगाल और असम ये कुल जो है ना ग्यारह राज्य हुआ करते थे और तो चार जो है कमिश्नरेट हुआ करते थे है ना तो चार कमिश्नरेट के नाम ये जो है वापस से आ गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 वो उसमें लिमिटेड फ्रेंचाइज था आपको याद है ना मैंने बताया था दस प्रतिशत लोग ही मत दे सकते थे है ना इसके बाद कुछ जो है ना बड़ौदा बीकानेर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना प्रिंसली स्टेट थे वो शामिल हो गए थे भारत में बाद में है ना कुछ समय के बाद में अब देखिए ये वाली बात मैंने आपको बताई थी कि जीवी मावलंकर जो है ना इसके पहले स्पीकर बनते हैं है ना जो विधायिका के लिए तो नवंबर सत्रह उन्नीस सौ को स्पीकर बनते हैं अब देखिए प्रोविंशियल पार्लियामेंट जो है प्रोविंशियल पार्लियामेंट है ना सीज टू तो एग्जिस्ट जो प्रोविंशियल पार्लियामेंट थी ना प्रोविंशियल का मतलब अब जो है संसद बनने का निर्माण प्रक्रिया शुरू हो रहा है तो फाइनली क्या होता है द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट विद द टू हाउस केम इन टू बी इन मे नाइन टू तो पहली बार जो पहली पार्लियामेंट आती है वो कब आती है मई उन्नीस सौ बावन में बन जाती है तो ये बात आपको एक याद रखना है है ना तो इस तरह से क्या है मेनली मैंने आपको सारे सेक्शन बिल्कुल कवर करवा दिए है ना तो आपको यदि और भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैंने पिछले लेक्चर में जो एक गलती की है मैं वापस से सुधार रहा हूँ उसको कि पहली बार जो राष्ट्रीय गीत गाया गया था वो अट्ठारह में एटीन में है ना कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था कलकत्ता के अधिवेशन में है ना एक बार श्योर कर लीजिए कलकत्ता का ही अधिवेशन था क्या 1996 में और उसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था और पहली बार राष्ट्रीय गान किसने गाया था यह बात मुझे बतानी है यह सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया सो थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू ऑल और आप जो है अपने साथियों में शेयर करें विश यू ऑल द बेस्ट